अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर है? कैन यू लिसन टू मी क्लियरली? मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? एनी इश्यू रिगार्डिंग? अच्छा, अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिएगा, अदरवाइज वी विल हैव सच प्रॉब्लम। ठीक है, तो वेरी गुड। तो रिमेम्बर, हमने लास्ट टाइम एक चैप्टर फिनिश कर लिया था। आज हम एक छोटे से टॉपिक के साथ अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इट इज रिलेटेड टू ग्रामर। ग्रामर का एक टॉपिक है और उसको हम स्टार्ट करेंगे। और यू नो दैट कि आपको अगर कुछ कहना हो तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट चैट बॉक्स। इसी वीक हो जाएगा राहत इंशाल्लाह, हो सकता है वेनेसडे को हो जाए। अगर कोई टेस्ट शेड्यूल नहीं होगा तो हम बात कर लेंगे वेनेसडे को, प्रोबेबली हम वेनेसडे को टेस्ट लेंगे। तो लेट्स सी, आज हमारा एक ग्रामर का लेसन है और सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी बीन टॉट इन योर 9th स्टैंडर्ड। ठीक है, लेकिन उसके साथ भी कुछ एक्स्ट्रा है जो आप लोगों से डिस्कशन में नहीं आया और यू विल हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस। आज हमारी क्लास इस टॉपिक पर है। एनी आइडिया अबाउट क्या होता है ये, क्यों यूज करते हैं, कौन से टेंस को सिंपल फ्यूचर बोलेंगे और जो है वो क्या सेंस है? एनी आइडिया अबाउट सिंपल फ्यूचर टेंस और हाउ मेनी टेंसेस डू वी हैव इन इंग्लिश? रिप्लाई। Yes, please. We have 12 tenses. We have got only one student in my class. I want everyone's response here. We have got 16 students right now. I've got only one response here. Is it so? So let's see here. The next slide. टेंसेज में हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसको क्लासिफाई करते हैं तीन मेन हेड्स। ओके अम्मार, यस इट इज यूज्ड फॉर दोज एक्स हु हैव नॉट हैपेंड येट। हाँ, और आसानी से अगर हम बात करें व्हाट एवर यू आर गोइंग टू डू इन फ्यूचर इट विल बी क्लासिफाइड एज फ्यूचर। तो हमारे पास तीन है। अब मैंने ना इसको आपकी आसानी के लिए नाउ, बिफोर नाउ और आफ्टर नाउ के सेंस में क्लासिफाई किया। सिंपल फ्यूचर इज अ वर्ब टेंस, हम स्टेट टेंस भी तो बोल सकते हैं। जैनब, वर्ब टेंस ही होगा सिर्फ। चलें अभी हम बात करते हैं इस पर। लेट्स सी, पहले इस चीज को समझ लें। इस वक्त आई एम टेकिंग योर क्लास, I take your class on Mondays and Tuesdays. ये present है now. This section is happening now. I didn't take your class previous week. पिछले हफ्ते before now, यानी आज से पहले की बात कर दी तो वो किस में चली गई? Past में चली गई। पिछले हफ्ते I didn't take your class. Past हो गया। I will take your class tomorrow. कल भी मैं आपकी क्लास लूंगा आफ्टर नाउ, अभी के बाद जो भी है, चाहे एक मिनट है, चाहे दस मिनट है, चाहे तीस सेकंड है, दैट विल बिकम फ्यूचर, है ना? आफ्टर नाउ,
यानी अभी जो वक्त है उसके बाद वाला जो भी वक्त होगा दैट कुड बी क्लासिफाइड एज फ्यूचर. अब अगर फ्यूचर की बात करें तो वी हैव गॉट फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस. स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल फ्यूचर राइट नाउ. अभी हम जो बात करें वो सिंपल फ्यूचर की बात करें, ठीक है, सिंपल फ्यूचर. सो लेट्स सी why do we use simple future tense. हमने बहुत डिटेल में बात कर ली. कोई भी after now action है, कोई भी चीज फ्यूचर में होने वाली है, आने वाले दौर में होने वाली है, उसको हम classify करेंगे simple future tense के तौर पर, है ना. कोई भी ऐसा काम जो near future होने वाला हो, आने वाले दौर में होने वाला हो, we will classify it as future tense, ठीक है. अब जनाब सी दिस, इसको देखिएगा जरा, ये देखिए. नाउ ये अभी मौजूदा दौर है, मिसाल है, ये मौजूदा दौर है. अब इसके बाद ये सारा क्या है, फ्यूचर, अ टाइम इन फ्यूचर, यानी अभी के बाद जो भी होगा वो क्या कहलाएगा, फ्यूचर कहलाएगा. यस, दैट विल बिगिन एंड एंड इन द फ्यूचर. यस, एक्शन और स्टेट भी हो सकता है. जो आप कंडीशन की बात करेंगे दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड स्टेट. वेरी गुड. नाउ लेट्स सी, अब नाउ के बाद अ टाइम इन द फ्यूचर कैन बी क्लासिफाइड दिस, यानी अभी ये मौजूदा दौर है, मौजूदा वक्त नाउ, और इसके बाद जितना भी है ये सब क्या होगा, फ्यूचर होगा. चाहे दो घंटे बाद हो, चार मिनट बाद हो, एक साल बाद हो, पचास साल बाद हो, that will be classified as future. Let's see a small definition that will help you to understand this. Lekin usse pehle, can someone tell me what is the formulation of future? Kaise future ki formation ho sakti hai? Can someone tell me the formation of future? Simple future tense kaise bana sakte hain? सिंपल फ्यूचर टेंस बताइए क्या स्ट्रक्चर होगा सिंपल फ्यूचर टेंस का. हाउ कैन वी फॉर्म सिंपल फ्यूचर टेंस? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस ऑब्जेक्ट. ज़ैनब क्या हो गया, यू आर मिसिंग समथिंग ज़ैनब. यस, समार, जोहा, राइट, राहत भी, राहत ने भी कुछ मिस कर दिया. वर्ब कहां चले गए, राहत और ज़ैनब, वर्ब कहां गए तुम लोग. Yes, yes, yes. First form of verb भी आएगा. Yes. Subject plus will plus verb first form plus object. Zoha, Ammar, Rabia. Yes. Shall ज्यादातर permission के लिए इस्तेमाल होता है, तो हम सिर्फ will ही consider करेंगे यहाँ. Shall permission के लिए इस्तेमाल होते हैं modals में, ठीक है. पहले होता था I shall और we shall, लेकिन अब नहीं होता. We don't use it. और आपको जो internet पर जितनी भी language है उसमें आपको ये will नहीं मिलेगा. Now, let's see. As you, अच्छा इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या, एनीथिंग एल्स, कुछ और भी हो सकता है क्या, इसके अलावा भी कोई फॉर्मूला हो सकता है सिंपल फ्यूचर के लिए. इज देयर एनी फॉर्मूला अदर देन दैट, इसके अलावा भी कोई फॉर्मूला हो सकता है फ्यूचर के लिए. वर्ड नहीं, नहीं मुनज़्ज़ा, ज़ैनब, यस ज़ैनब, क्या हो सकता है, व्हाट एल्स. नहीं मुनज़्ज़ा, वर्ड नहीं, वर्ड तो पास्ट में चला जाएगा और फॉर्मल रिक्वेस्ट हो जाएगा. स्पेसिफिकली हम बात कर, व्हाट एल्स कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर. ये तो नेगेटिव है नवीदा, नेगेटिव की बात नहीं कर रहा, अफर्मेटिव पॉजिटिव की बात करते हैं पहले, ठीक है. जैसे ये आप ये जो ऊपर फॉर्मूला है डिस्कस हुए हैं, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब प्लस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इन द सेम सेंस. सो लेट्स सी, लुक एट दिस, लुक एट द डेफिनेशन हियर, लुक एट द डेफिनेशन. द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपेंस वंस इन द फ्यूचर, है ना. सिंपल फ्यूचर टेंस दिस यूज होता है डिस्क्राइब करने के लिए एक एक्शन या स्टेट जो कहां हो, फ्यूचर में हो.
अब लेट सी सेकेंड पार्ट है यहाँ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं, जो बात मैं अभी आपसे पूछ रहा था, और ये आपने 9th क्लास में नहीं पढ़ी है, वी डिडंट टीच यू, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट विल. तो अब मैट्रिक क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज टू थिंग्स टुगेदर, बिकॉज यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट विल स्ट्रक्चर. विल का आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो गया है, तो अब मैं आपको गोइंग टू भी इसमें एड करवा रहा हूं. तो आपके पास यहाँ दो स्ट्रक्चर हैं सिंपल फ्यूचर टेंस को इस्तेमाल करने के. वो दो स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? या तो आप विल लगा सकते हो या तो गोइंग टू लगा सकते हो, और आएंगे दोनों किसके साथ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ. वर्ब एंडिंग्स डू नॉट चेंज, वर्ब एंडिंग्स डू नॉट चेंज मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चाहे विल हो चाहे गोइंग टू हो, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. और क्या? एन एक्शन और फैक्ट पर्टेन्स टू द फ्यूचर. ठीक है, यहां तक क्लियर है किसी को? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? ये डेफिनेशन समझ आई इजीली कि आज जो हम बात कर रहे हैं, वी विल डिस्कस अबाउट दीज टू फॉर्मूलाए हियर. आज हम दो फॉर्मूलाए की बात करेंगे, सिर्फ बिल के साथ नहीं बल्कि गोइंग टू के साथ भी फ्यूचर का सेंस समझेंगे, जिसको हमने लास्ट टाइम हल्का सा फ्यूचर कंटिन्यूअस में डिस्कस किया था. तो अब ये सिंपल फ्यूचर में हम प्रॉपरली इसको डिस्कस कर रहे हैं. सिंपल फ्यूचर टेंस में वी विल हैव टू डिफरेंट फॉर्मूलाए, नंबर वन विल अलोंग विद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और नंबर टू गोइंग टू अलोंग विद वर्ब फर्स्ट फॉर्म. क्लियर? चलें लेट्स मूव ऑन. अब ये छोटा सा चार्ट है, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स. अगर आप चाहें तो इसको लिख लें, चाहे तो आप इसे देख लें. I'm giving you 5 minutes to look at it carefully. आप गौर से इसको देखें. मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ठीक है? Then I will ask you what have you found out, ठीक है? Let's have a discussion at this. इसको गौर से देखिए और try to understand. I'm giving you 5 minutes. I'll be back after 5 minutes, ठीक है? 5. Clear? 5 मिनट का टाइम है. Let's look at this and find out the sense. Yes, Janab. Can you have a good look at it?
और क्या आप मुझे फॉर्मूला इसके फॉर्मूलाए बता सकते हैं? यस सैनब, वी विल डिस्कस. यस एब्सोल्युटली यू आर राइट, बट यू जस्ट एक्सप्लेन ओनली वन पॉइंट, वी विल हैव अदर पॉइंट्स एज वेल, वी विल टॉक अबाउट. ना हम इस पर भी बात करते हैं अभी, वी हैव गॉट ऑल द थिंग्स इन इट. ठीक है, तो जरा बताइएगा इनको देखते हुए. देखें, आपके पास पहला सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव है. जरा इसका फॉर्मूले बताएं मुझे, दोनों फॉर्मूलाए बताएं, जरा लिखकर बताएं जल्दी से फॉर्मूला. क्या फॉर्मूलाए बनेंगे इनके, विल के साथ और बी गोइंग टू के साथ क्या फॉर्मूला होगा? जरा राइट डाउन इन द चैट बॉक्स क्विकली. मैं यहां जब तक, लेट्स सी हियर, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ठीक है जनाब. अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं अभी हमारे पास, क्लियर. ये इसका फॉर्मूला बन गया, सब्जेक्ट आ गया, विल आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई. ठीक है. अच्छा, यहां भी क्या हुआ, यहां भी यही हुआ. सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर. ठीक है, गोइंग. ठीक, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ये स्ट्रक्चर बना. ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना. ये दोनों फॉर्मूला है किसके हो गए, सिंपल फ्यूचर की फॉर्मूला है. इट कैन ऑल्सो बी मेड लाइक दिस, इस तरह भी इसको बनाया जा सकता है. वी विल टॉक अबाउट इन डिटेल. ये इसकी फॉर्मेशन है. अच्छा, ये जो टेंस है, ठीक है जनाब, सब्जेक्ट हो गया, आर गोइंग टू हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे एक्सटेंशन, इजाफी जुमला या ऑब्जेक्ट जो इसमें है नहीं. अच्छा, ये आपके पास क्या है, अफर्मेटिव है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव या असर्टिव. ये असर्टिव है, क्लियर हो गया. अच्छा, नेगेटिव, ये नीचे वाला क्या है, नेगेटिव. ठीक है, ये नेगेटिव हो गया. और ये वाला क्या है, इंटरोगेटिव, क्वेश्चन. ठीक है, और ये कहलाते हैं टैग क्वेश्चन, टैग क्वेश्चन, टैग भी बोलते हैं इनको, शॉर्ट क्वेश्चंस भी बोलते हैं. ठीक है, टैग क्वेश्चंस. तो ये इस चार्ट की मदद से आपको बड़ा हेल्प मिलेगी इन चीजों को समझने के लिए, है ना. कि अब जब हम इसकी फॉर्मेशन करते हैं तो हम इसको ये भी कह सकते हैं आई विल प्ले, और हम ये भी कह सकते हैं आई एम गोइंग टू प्ले. ठीक है, बोथ हैव गॉट द सेम सेंस, दोनों का सेम मीनिंग है, दोनों का सेम सेंस है. I won't, आप सब जानते हैं, won't is the contraction of will not. Won't is the short form of will not. ठीक है, will not. Will not को हम won't लिखते हैं. जब question बनाते हैं तो will पहले आ जाता है और उसके बाद subject और plus verb. ठीक है, तो इस तरह इसकी formation होती है. अब इसी तरह short question होगा तो yes I will, no I will not, या no I won't. I am is the contraction of I am, you know it. ठीक है, तो let's see, both are possible cases, दोनों possible हैं, clear हो गया अभी. Let's move on an exercise. लेकिन पहले हम will वाली exercise करेंगे, फिर भी be going to वाली exercise करेंगे, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि will और be going किन किन cases में use होंगे, कब आपने will use करना है, कब आपने going to use करना है. We'll have a discussion. और उसके बाद one more exercise होगी. इस तरह हमारा plan आगे बढ़ेगा. So let's move on. अगली exercise. Example. इसके बाद exercise है. तो ये देखिएगा example. He will clean his room in a few hours. ठीक है. I'm going to play in the game tomorrow. Two examples हैं. Will clean. Will के साथ verb की first form. Going to के साथ verb की first form. दोनों में फर्स्ट फॉर्म आई है, क्लीन और प्ले. ठीक है. अच्छा, आई हो तो आप सब जानते हैं एम होगा, बी हो तो आर होगा. यू हैव अ लिस्ट ऑफ दिस, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं यहां से.
सी दिस, अगर आई होगा तो एम, बी होगा तो आर, यू होगा तो आर, ही होगा तो इज, शी होगा तो इज, इट होगा तो इज, दे होगा तो आर गोइंग, आई एम गोइंग टू, वी आर गोइंग टू, यू आर गोइंग टू, ही इज गोइंग टू, शी इज गोइंग टू, इट इज गोइंग टू, दे आर गोइंग टू, ये आपको पता होना चाहिए. क्लियर हो गया अभी? लेट्स मूव ऑन. अब एक एक्सरसाइज देख रहे हैं. पहले हम किसकी एक्सरसाइज देखेंगे? बिल के साथ. ठीक है, चलें. लेट्स आंसर टू दीज. पहले इंस्ट्रक्शंस को गौर से पढ़ें. क्या लिखा हुआ है? राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सिंपल फ्यूचर टेंस यूजिंग विल. यूजिंग विल, बार बार कह रहा हूं, यूजिंग विल. ये सेवन जो सेंटेंसेस है इसमें विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. कैन यू प्ले, कैन यू डू इट? अच्छा, आप जो आंसर बताओ मुझे तो नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री करके बताना. यस प्लीज. क्या होगा नंबर वन? हाउ कैन यू मेक इट नंबर वन? यस प्लीज, टेल मी व्हाट विल बी द आंसर टू नंबर वन. ओके, यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. जोहा एंड रबिया, जुनेरा, यस, ग्रेट. तो यहां क्या हो जाएगा? आई विल डू माई होमवर्क टुमारो. आई विल डू माई होमवर्क टुमारो, करेक्ट. नेक्स्ट, नंबर टू, नंबर टू बताइएगा. यस तजीन, हानिया, यू आर राइट. अब नंबर टू बताइए. Yes, absolutely. Well, I guess. अच्छा, इसका तर्जुमा क्या होगा, ट्रांसलेशन क्या होगा? I will do my homework tomorrow. मैं अपना घर का काम कल करूंगा. मैं अपना घर का काम कल करूंगा. I will do my homework tomorrow. अब well, I guess we dash to ride the bus to work. क्या होगा? We will ride the bus. Yes, absolutely right. Zoha, Tazeen and Zainab. Yes, you're right. We'll ride the bus to work next week. Iska matlab kya hoga? Well, I guess. Mera khayal hai, we will ride the bus. Hum bus ki sawari karenge to work. Kaam karne jaane ke liye next week. Agle hafte. Thik hai? To hum bus ki sawari karenge. Thik hai? So, let's. आगे क्या है जनाब? नंबर थ्री. ओके, वी विल ईट रोस्ट बीफ फॉर डिनर. ही विल ईट, यस एब्सोल्युटली, ही विल ईट. वो डिनर में रोस्ट बीफ खाएगा. ही विल ईट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और विल के साथ. ही विल ईट रोस्ट बीफ फॉर डिनर, करेक्ट. नंबर फाइव, नंबर फाइव बताइएगा. देख लें जोहा, गलती हो गई ना. अम्मार, यू आर राइट बेटा. यस जोहा, क्या गलती हुई है देखो. यस सैयदा राहत, यू आर एब्सोल्युटली राइट. आपने भी सही बताया, बिल्कुल. विल नॉट क्विट. अच्छा, क्विट की स्पेलिंग को जरा देख लीजिएगा. क्यू यू आई टी, क्विट. और क्वाइट का मतलब होता है खामोश होना. क्विट का मतलब होता है छोड़ देना. यस नवीरा, जेन विल नॉट क्विट हर जॉब ऑन मंडे. जेन जो है वो अपना काम नहीं छोड़ेगी, अपनी जॉब नहीं छोड़ेगी मंडे को, अपना काम करके रहेगी. क्विट, क्यू यू आई टी, क्विट. ठीक है, क्विट मींस छोड़ देना. और फर्स्ट फॉर्म, ओके. आई थिंक आई डैश अ मूवी. क्या होगा? आई थिंक आई विल वॉच अ मूवी विद जेम्स. यस एब्सोल्युटली राइट. अमार, राहत, आनिया, दोहा, जरवशम और महानूर. यस ओके, तो क्या होगा? अच्छा, ऊपर भी कोई है. कौन है ये? मैं नाम ऊपर चला गया है. तजीन, जहरा, नवीरा, मोहम्मद रियाज, रबिया. यस एब्सोल्युटली राइट. आपके नाम ऊपर चले गए थे, सॉरी. आप लोगों ने पहले आंसर दिए. ठीक है, यस यस यस, जरवशम, महानूर एंड जोहा. सो आई थिंक क्या होगा? आई थिंक आई विल वॉच अ मूवी विद डब्ल्यू ए टी सी एच, वॉच फर्स्ट फॉर्म. आई थिंक आई विल वॉच
अ मूवी विद जेम्स, ठीक है। अच्छा जनाब नेक्स्ट क्या होगा जरा बताइए, नेक्स्ट नंबर सिक्स, व्हाट विल बी नंबर सिक्स, विल जेन बी गोइंग, व्हेन विल जेन बी गोइंग, व्हेन बी तो लगा हुआ है, यस व्हेन विल, यस एब्सोल्युटली व्हेन विल जेन बी ओल्ड इनफ, ठीक है, बी ओल्ड इनफ टू ड्राइव, जेन ड्राइव करने के काबिल कब होगी, व्हेन विल जेन बी ओल्ड इनफ टू ड्राइव, जेन ड्राइव करने के काबिल की उम्र की कब होगी, ठीक है, जेन ड्राइव करने की उम्र की कब होगी, ये बात बन रही है। अच्छा जनाब लास्ट वन, विल गो, विल प्रोबेबली गो, पहले आएगा माई सिस्टर विल, मेरी सिस्टर यकीनन मुमकिना तौर पर कहां जाएगी, कैंप, कैंप में जाएगी दिस समर, इस गर्मियों की छुट्टी में, विल प्रोबेबली गो टू कैंप दिस समर, ठीक है। तो ये सारी एक्सरसाइज किसके साथ थी, बिल के साथ थी, जिसमें ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये नेगेटिव था, बाकी अफर्मेटिव थे, इनकी आपकी प्रैक्टिस हो गई, यहां तक कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम। नो इशू एट ऑल, ठीक है जनाब, अब आगे बढ़ रहे हैं। अब ये वाली एक्सरसाइज देखें किसके साथ है, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सिंपल फ्यूचर टेंस यूजिंग व्हाट, यूजिंग गोइंग टू। अब इसमें क्या बनाना है, गोइंग टू लगाना है, क्या लगाना है, गोइंग टू, ठीक है। अब हम बात करें किसकी, गोइंग टू की, आप जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें आप क्या करोगे, गोइंग टू लगाओगे, ठीक है जी जनाब, बताइएगा। नंबर वन जैसन बिली, वेरी गुड जोहा, एब्सोल्युटली नवीरा यू आर राइट, सैयदा मुनज्जा, अम्मार विल बी गोइंग आएगा, बेटा ये तो फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा, आर गोइंग टू, ठीक है, तो व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर, जेम्स जेस एंड बिली आर गोइंग टू बी, आर गोइंग टू, अच्छा गोइंग टू बी तो लिखा हुआ है वहां, आर गोइंग, जेम्स जेस एंड बिली आर गोइंग टू बी रूममेट्स, है ना, जेस और बिली क्या बनने वाले हैं, रूममेट्स बनने वाले हैं, एक ही कमरे में रहने वाले हैं, आर गोइंग टू, यस एब्सोल्युटली, तजीन हानिया जैनब और महनूर, यस एब्सोल्युटली। चलें जनाब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा, नंबर टू, इज गोइंग टू बी, यस एब्सोल्युटली, नवीरा रबिया राहत मुनज्जा हानिया जुनैरा महनूर, यस जरवशम एब्सोल्युटली, ठीक है, महनूर अर्शद, यस इट इज गोइंग टू बी सनी टुडे, यहां क्या आएगा, इज गोइंग, ठीक है, आज दोपहर में धूप निकलने वाली है, आज धूप निकलने वाली है, इट इज गोइंग टू बी सनी टुडे, है ना। ओके जनाब यूकी क्या होगा, यस यूकी इज गोइंग टू कम टू द मूवी विद अस, यूकी जो है वो हमारे साथ फिल्म देखने आ रहा है, इज गोइंग टू कम विद अस, इज गोइंग, ठीक है। व्हाट अबाउट आवर फैमिली, नंबर फोर, आवर फैमिली इज गोइंग टू, अच्छा मोहम्मद रियाज आर गोइंग टू किसका बता रहे हो, फैमिली के साथ आर गोइंग आना चाहिए, महनूर यूनुस मोहम्मद रियाज फोर का देख लो, माई फैमिली आर होगा या माई फैमिली इज, व्हाट डू यू थिंक, राहत इज, रबिया इज, इज गोइंग हानिया अल्तमश, यस डेफिनेटली, फैमिलीज होता तो फिर आर लगाते, माई फैमिली इज गोइंग टू शिफ्ट हियर, इज आएगा फैमिली, एक खानदान, आवर फैमिली इज गोइंग टू मूव अलास्का, हमारी फैमिली अलास्का मूव होने वाली है, ठीक है। दिस वीकेंड वी डैश टू स्टडी फॉर द स्पैनिश टेस्ट ऑन मंडे, आर गोइंग टू, वेरी गुड, आर गोइंग टू फॉर द स्पैनिश टेस्ट ऑन मंडे, ओके, दे डैश प्रोबेबली टू रन 4 miles, क्या होगा,
They are probably going. Yes, absolutely. Rabia, Zarvasham, Riyaz, Ammar, and Zainab, Munazza, Navira. Yes, Hania. So yahan kya jayega? They are probably going to run. Mumkina taur par wo 4 meel bhagne wale hain. Theek hai? Are going to run. It is doubtful that the sailors are ever going to return. Are sailors, kashti chalane walon ko bolte hain, sailors are ever going to return. Okay, janab, theek hai, yahan tak to ho gaya. आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है किसके साथ विल और इज गोइंग एम गोइंग और आर गोइंग के साथ. अब सवाल ये है जनाब कि ये तो सेपरेट एक्सरसाइज थी, आपने उठा उठा के जल्दी जल्दी बता दिए और हमारी एक्सरसाइज भी पूरी हो गई. बट व्हाट इफ अगर ये दोनों आ जाएं एक साथ तो फिर क्या करोगे? हाउ विल यू गेस कि क्या लगाना है, कौन सी सिचुएशन में इज गोइंग या एम गोइंग या आर गोइंग लगाओगे और कौन सी सिचुएशन में विल लगाना है? बिकॉज दे आर द सेम, ये तो सेम सेंटेंस में यूज हो रहे हैं ना, तो देयर मस्ट बी समथिंग बिहाइंड इट, है ना, कि कुछ ना कुछ तो यहां होगा जिसको हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. और वो क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि इज गोइंग टू लगाएं, आर गोइंग टू लगाएं, एम गोइंग टू लगाएं या विल गोल विल लगाएं, क्या लगाएं? तो अब हम उसके लिए बात कर रहे हैं. ठीक है, अब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस केस में हमें विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और किस केस में इज या एम या आर गोइंग लगाना है. एम आई क्लियर? यहां तक बात समझ आ रही है? मैं क्या अगली एक्सरसाइज समझाने वाला हूं आपको. आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट्स हाउ विल यू डिसाइड व्हाट टू पुट इन इट, है ना. देन आई विल बी गिविंग यू वन मोर एक्सरसाइज दैट विल हेल्प यू to understand the concept well and you will be independently deciding what to fit, what to put perfectly in the blank, है ना. तो अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो बड़ी अहम है और इसको बड़े गौर से सुनना है और ध्यान से इसको अंडरस्टैंड करना है कि आपको कैसे पता चलेगा जनाब कि आपने इज एम आर लगाना है या जो है वो विल लगाना है. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. ओके जनाब, टेक अ गुड लुक एट इट. अब जरा इसको गौर से देखिएगा. सी दिस, इसको जरा गौर से देखें. आई हैव गिवन यू अ चार्ट टू अंडरस्टैंड कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां आपने वेल पुट करना है और कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां आपने गोइंग टू पुट करना है. एक हमें जैनब ने भी बताई थी, इफ यू रिमेम्बर, जैनब परवीन ने एक हमें एक सेंस बताया था इसका और वी टॉक्ड अबाउट कि बाकी हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कुछ और पॉइंट्स भी हैं, दे आर नीडेड टू बी एक्सप्लेन्ड हियर. थैंक यू ज़ैनब, यू हैव आंसर्ड हियर. सो लेट्स सी, अब हमारे पास यहाँ दोनों के तीन तीन डिफरेंसेस हैं दैट विल हेल्प यू टू डिसाइड व्हाट टू पुट इन द ब्लैंक, जिससे हमें ये आइडिया होगा कि हमें विल लगाना चाहिए या क्या लगाना चाहिए, is MR लगाना चाहिए. अभी क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? चलें अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हाउ विल बी डिसाइड, हम कैसे फैसला करेंगे कि हमें क्या लगाना चाहिए. ठीक है, चलें पहला पॉइंट देखते हैं किसका, विल का. अब देखें, हम जब कुछ भी फ्यूचर के बारे में कर रहे होते हैं ना, या तो हम पहले से प्लान करते हैं उसको, या फिर जब हम कोई बात कर रहे होते हैं उस दौरान फैसला करते हैं, है ना. जैसे कोई आपसे पूछता है व्हाट विल यू हैव इट, आप क्या लेना पसंद करेंगे? क्या घर से सोच कर आए थे कि इसके घर पे जाके कॉफी पीनी है? ऐसा तो नहीं होगा ना, घर से सोच कर तो नहीं आए थे कि इसके घर पे जाके बिरयानी खानी है, ऐसा सोच कर आए थे कि घर से नहीं. बल्कि क्या होता है, जब कोई तकल्लुफन पूछता है आपसे व्हाट विल यू हैव इट, तो आप उस टाइम डिसाइड करते हो आई विल हैव अ कॉफी और आई विल हैव अ टी, जो भी आपको लेना हो, है ना. अगर वो आपको चॉइस दें कॉफी पियोगे चाय पियोगे, तो
तो फिर आप उसी वक्त फैसला करोगे कि चाय पीनी है या कॉफी पीनी है, इज दैट सो? तो जरा इसको समझना, इस बात को जरा गौर से समझना जो बात मैं समझाने जा रहा हूँ. एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जब हम कोई फ्यूचर एक्शन की बात कर रहे हो और वो हमने उसी वक्त डिसाइड किया हो, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, है ना, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, पहले से हमारा कोई प्लान नहीं है, वो प्लान्ड फ्यूचर नहीं है, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? विल का इस्तेमाल करते हैं. जैसे मैंने अभी आपसे मिसाल दी, आप कहीं मेहमान बनकर गए और वो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट विल यू हैव इट. अब आप घर से तो सोच कर नहीं आए थे ना, आप उस वक्त सोचेंगे, है ना, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. तो आपने, आप उससे कहेंगे आई विल हैव अ टी, मैं चाय पीऊंगा, या आई विल हैव अ कप ऑफ कॉफी, कॉफी लूंगा. तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो डिसीजन लिए जाएंगे फ्यूचर से रिलेटेड, तो वहां आपने क्या लगाना है? विल लगाना. क्या लगाना है? विल. बात समझ आई? इमीडिएट डिसीजन के लिए, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग डिसीजंस के लिए आपने क्या लगाना है? विल. आई विल, ही विल, शी विल. ठीक है. अब गोइंग टू का जरा पॉइंट देखें इसी से रिलेटेड. अब गोइंग टू हम कब लगाते हैं? जब हमने पहले से डिसाइड किया हुआ हो. टाइम ऑफ स्पीकिंग जब बात करें उस वक्त नहीं, बल्कि पहले से हमने डिसाइड किया हुआ है. एक्सप्रेस फ्यूचर प्लान्स डिसाइडेड बिफोर द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, है ना. अब आपने 5 साल पहले से डिसाइड किया हुआ है कि आपको ये करना है. 1 हफ्ता पहले से आपने अगले हफ्ते का प्लान डिसाइड किया हुआ है कि मैं वहां जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा. आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है. आप एट द टाइम ऑफ मूवमेंट, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग डिसाइड नहीं कर रहे. प्री प्लान्ड, जिसको बोलते हैं प्रायर प्लान्स या प्री प्लान्ड, पहले से बना हुआ मनसूबा, तो उस वक्त आप क्या इस्तेमाल करेंगे? बी गोइंग टू. जैसे आई एम गोइंग टू विजिट माई आंट नेक्स्ट फ्राइडे. अभी सैटरडे है और अभी 5 दिन बाकी हैं, और आपने पहले से प्लान किया हुआ है कि फ्राइडे को मुझे अपनी आंटी के पास जाना है, उनको झुक के सलाम करना है, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है, है ना, दुआएं लेनी है आंटी से. तो आपने क्या करना है जनाब? आप फ्यूचर प्लान्स को, जो प्रायर प्लान्स है, जो आपने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है, उसको बयान करने के लिए आप क्या लगाओगे? आई एम गोइंग टू कंस्ट्रक्ट. ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया सबको? यस प्लीज कमेंट्स. रबिया अकेली पढ़ रही है बस मुझसे, बाकी सब क्या कर रहे हैं भाई? महनूर, राहत, रियाज, हानिया, जुनैरा, जरवशम, महनूर अरशद, तजीम, जैनब परवीन, जोहा खान. ओके जनाब, अब लेट्स सी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब दूसरे पॉइंट की तरफ चल में और देखते हैं कि इसमें क्या बात बताई जा रही है. ठीक है, तो देखिएगा जनाब, अब एक्सप्रेस अ प्रिडिक्शन. प्रिडिक्शन कहते हैं पेशन गोई को. पेशन गोई मतलब आपने कहा पाकिस्तान जीत जाएगा, है, पाकिस्तान इतना बुरी तरह हार रहा है और आपके, आपने कहा पाकिस्तान जीत जाएगा. तो ये जो प्रिडिक्शन है ना, प्रिडिक्शन, क्या प्रिडिक्शन? पेशन गोई. अगर पेशन गोई आपकी पर्सनल ओपिनियन पर बेस करती है, आपकी जाती राय हो और आपका अपना तजुर्बा हो, उस बेस पर जो आप प्रिडिक्शन करते हैं, उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? यानी अपनी जाती राय, आई थिंक, आई एक्सपेक्ट, है ना. तो आई एक्सपेक्ट, आई थिंक, इट सीम्स, इस तरह के वर्ड यूज करके जो प्रेडिक्शन की जाती है, उसका मतलब होता है आप अपनी राय दे रहे हैं, अपने तजुर्बे का इजहार कर रहे हैं. तो वहां आपने क्या लगाना होगा? विल लगाना होगा, और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है. आप बारिश की पेशन गोई कैसे करना है? रबिया सुनो, आपने देखा आसमान की तरफ काले बादल आए हैं और बारिश जो है, बिजली बहुत जोर जोर से कड़क रही है. अब काले बादल भी हैं, बिजली भी कड़क रही है. अब ये क्या हुआ? अब आप कहते हो कि बारिश होने वाली है, तो इट इज गोइंग टू रेन. अब यहां गोइंग टू क्यों इस्तेमाल किया भाई? गोइंग टू इसलिए इस्तेमाल किया कि ये जो प्रेडिक्शन है तो प्रेडिक्शन, लेकिन बेस कर रही है एविडेंसेस पर, सबूत और शवाहिद पर, है ना. प्रेजेंट एविडेंस और सबूत और शवाहिद क्या है? काले बादल और गरज चमक
के साथ बिजली, तो जब ये दोनों चीजें मौजूद हैं तो डेफिनेटली प्रूफ मिल गया। और जब कभी भी आप प्रूफ के साथ कोई प्रिडिक्शन करते हैं, एविडेंस के साथ कोई प्रिडिक्शन करते हैं, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, गोइंग टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ आया? यानी जो प्रिडिक्शन आप अपनी पर्सनल ओपिनियंस पर कर रहे हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर कर रहे हैं, उसमें आपने विल लगाना है, और जो आप प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं और तजुर्बे और आपने उसके शवाहिद भी, शहादत भी दे दी, सबूत भी दे दिया, सबूत के साथ जब आप कोई प्रिडिक्शन करते हैं तो उसके लिए आप गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब चलें तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट क्या है? अच्छा, ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपको हेल्प करेंगे अगली एक्सरसाइज करने में। तो मैं वहां पूछूंगा, जब आप गोइंग टू लगाएंगे तो मैं पूछूंगा यहाँ कौन सा सेंस निकल रहा है, फ्यूचर प्लान है, डिसाइडेड फ्यूचर प्लान है, या जो है वो इमीडिएट एक्शन है, या प्रिडिक्शन है पर्सनल ओपिनियन, या प्रिडिक्शन है एविडेंस के साथ, क्या है? तो वो आपने बताना भी होगा मुझे। तो इन पॉइंट्स को जरा ध्यान में रखें गौर से। आप फ्यूचर फैक्ट, आप फ्यूचर फैक्ट, फ्यूचर फैक्ट मतलब आप कोई ऐसा, ऐसी हकीकत बताने जा रहे हो जो फ्यूचर में होनी है, फैक्ट है ना। तो जो फ्यूचर फैक्ट हो उसको भी हम किसमें बनाते हैं, उसको भी हम विल के साथ इस्तेमाल, किसके साथ, विल के साथ। फ्यूचर फैक्ट यानी ये बात 120% होनी है, फैक्ट है ये, हकीकत है ये तो इसको डिनाई किया ही नहीं जा सकता है ना। तो वहां हम फ्यूचर फैक्ट में भी विल का इस्तेमाल करें। और अगर समथिंग इज अबाउट टू हैपन, कुछ होने वाला है और आप उससे मुतालिक आगाह कर रहे हैं है ना, कुछ होने वाला है, तो उस वक्त आप क्या इस्तेमाल करेंगे, गोइंग टू। ट्रेन इज गोइंग टू लीव द स्टेशन, क्विकली रन टूवर्ड्स द ट्रेन, भागो, ट्रेन स्टेशन छोड़ के जाने वाली है, जल्दी से जाओ, बैठ जाओ है ना। या फिर क्या, गेट बैक, पीछे हटो, द बॉम्ब इज गोइंग टू एक्सप्लोड, बॉम्ब फटने वाला है ना। तो इस सेंस में क्या होगा, इस सेंस में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, गोइंग टू का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? अमर, आई डिडंट गेट यू। यस, यहां तक समझ आ गई बात, क्लियर हो गया अभी? ओके, अब जबकि ये पॉइंट्स क्लियर है, मैं एक रिव्यू कर रहा हूं और उसके बाद आपने एक एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, और जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो मुझे रीजन भी देंगे कि आप गोइंग टू क्यों पुट कर रहे हैं, आप विल क्यों पुट कर रहे हैं। ठीक है, रीजन ये होंगे आपके, या तो होगा इमीडिएट एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, या होगा डिसाइडेड एक्शन, प्रायर प्लान होगा, या प्रेडिक्शन होगी बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन, या प्रेडिक्शन होगी बेस्ड ऑन एविडेंस, अ फ्यूचर फैक्ट होगा, या फिर समथिंग अबाउट टू हैपन, ये होगा। क्लियर? ये छह पॉइंट्स में से आप रीजन करेंगे, कहीं भी ब्लैंक फिलअप करेंगे तो आप मुझे बताएंगे कि यहाँ कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, चलें जनाब, अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। वी हैव गॉट 10 डिफरेंट सेंटेंसेस और कॉन्टेक्स्ट के साथ हैं, तो आप बड़े आसानी से इसको कर सकेंगे। ओके, अब ये जो एक्सरसाइज है इसमें आपने गोइंग टू भी पुट करना पड़ सकता है और विल भी पुट करना पड़ सकता है, लेकिन हर एक का एक डिफरेंट सेंस है और उसके पीछे एक लॉजिक भी है, वो लॉजिक आप मुझे बताएंगे, और अभी आपने मुझे सेंस करवाना है कि क्या आना चाहिए। ठीक है, अब नंबर वन है हैरी। सर टोल्ड मी अबाउट देयर प्लान्स, दे डैश पेंट देयर गैरेज नेक्स्ट संडे, है ना। क्या आना चाहिए, आर गोइंग टू, क्यों आर गोइंग टू, क्यों आना चाहिए, एक्सप्लेन करो। रीजनिंग, रीजन करो, क्यों आना चाहिए, आर गोइंग टू। प्रायर प्लान है, प्रायर प्लान है, ठीक है, क्या है, प्रायर प्लान है, पहले से बनाया हुआ मंसूबा है। ठीक है, तो इसमें क्या आया, आर गोइंग टू, यस यू आर राइट, दे आर गोइंग टू पेंट देयर गैरेज नेक्स्ट वीक। ठीक है, ठीक है जनाब, अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। बेन
हैरी बात कर रहा है बैन से और किसके बारे में, सारा से के बारे में बात कर रहा है। हैरी ने बैन से कहा, सारा टोल्ड मी अबाउट देयर प्लान्स, दे आर गोइंग टू पेंट देयर गैरेज नेक्स्ट संडे। जब बैन ने सुना तो उसने कहा ओह आई लाइक पेंटिंग, आगे क्या आना चाहिए, यस आई विल हेल्प देम। इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट डिसीजन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यस जैन परवीन एब्सोल्युटली, यस एब्सोल्युटली जवशम एंड जोहा। तो यहाँ क्या आएगा, वेल क्योंकि ये एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इसने डिसाइड किया कि वो उनकी मदद करेगा, उसका पहले से कोई ऐसा ख्याल नहीं था। जब उसे पता चला कि वो इस संडे को पेंट करने वाले हैं तो वो कह रहा है कि मैं उनकी हेल्प करूंगा, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इसने डिसीजन लिया। ठीक है, अच्छा जनाब नेक्स्ट क्या होगा, आई एक्सपेक्ट यू, आई एक्सपेक्ट यू, यस क्यों, क्योंकि ये क्या है, रीजन दो मुझे जल्दी से रीजन, आई एक्सपेक्ट यू विल बी एबल टू, क्या रीजन होगा, रीजनिंग करो क्यों, आई विल बी एबल, आई एक्सपेक्ट यू विल बी एबल टू बाय, अच्छा टू बाय इसमें लगा हुआ है तो मैंने डबल डबल लिख दिया, ठीक है, यस क्यों, पर्सनल प्रेडिक्शन, यस यस यस, पर्सनल जो है ओपिनियन है, पता कैसे चला पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि एक्सपेक्ट आ रहा है, आई एक्सपेक्ट यू, ओपिनियन है पर्सनल, प्रेडिक्शन विदाउट एविडेंस, आई एक्सपेक्ट यू विल बी एबल टू बाय अ नाइस बंच ऑफ रोज फॉर मिसेस विलियम, अच्छा व्हेन डैश यू विजिट हर, क्या होना चाहिए, यस नवीरा क्यों, ये क्यों होना चाहिए, व्हेन विल यू विजिट हर क्यों ना हो, ये सवाल कब सोच रहा है वो, है ना, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग उसने ये सवाल किया, व्हेन विल यू विजिट हर, कोई पीछे उसका प्लान नहीं पता उसको, है ना, तो यहां क्या होगा, व्हेन विल यू विजिट हर, क्या हाँ इमीडिएट एक्शन, देखो ना उसने ये बोला आई एक्सपेक्ट यू विल बी एबल टू बाय अ नाइस बंच ऑफ रोजेस फॉर मिसेस विलियम्स, कह रहा है कि मैं उम्मीद करता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम जो है वो नाइस बंच ऑफ रोजेस खरीद के ले जाओगे मिसेस विलियम के पास, देन विल यू विजिट हर, तुम उसके पास कब जाओगे, है ना, तुम उसके पास कब जाओगे, उसने ये जो सवाल किया इमीडिएट किया है, ठीक है, इमीडिएट करने की वजह से यहाँ व्हेन विल यू विजिट हर आया, व्हेन विल यू विजिट हर, ठीक है, अच्छा जनाब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट वन, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को, कैन यू हैव मी क्लियरली, प्लीज डैश देख लो, श्योर होकर बात करो, प्लीज डैश सुजैन दैट देयर इज नो शुगर इन द शुगर पॉट, गौर से देखो इसमें एक प्रूफ मौजूद है दैट देयर इज नो शुगर इन द शुगर पॉट, प्रूफ के साथ, यस जोहा एब्सोल्युटली, इस बात को जरा समझो, इस सेंटेंस को जरा समझो, प्लीज आर यू गोइंग टू टेल सुजैन दैट देयर इज नो शुगर इन द शुगर पॉट, प्रूफ के साथ है, शुगर नहीं है शुगर पॉट में, क्या तुम बता दोगे उसे, आर यू गोइंग टू टेल, तो यहां क्या आएगा, प्लीज आर यू गोइंग टू टेल, ठीक है सुजैन, Are you going to tell Suzanne that there is no sugar in the sugar pot? Oh, sorry. अब क्या आएगा? जल्दी से बताओ. Oh, sorry. I will get. Yes, Zainab Parveen, Tazeen Zahra, Ammar. You're right. Immediate. अब पहले क्या था? पहले proof के साथ बात की कि भाई sugar में
शुगर जार काली है उसको बता दो, तो अब उसने जब सुना तो उसने क्या कहा, ओह ओह सॉरी आई विल गेट यू सम राइट अवे, कहता मैं अभी लेकर आऊंगा, है ना, तो इमीडिएट एक्शन हो गया, वो लाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो जनाब नेक्स्ट, वी हैव बुक्ड रूम इन अ होटल इन साउथ ऑफ फ्रांस फॉर नेक्स्ट समर। हमने क्या कर लिया है, होटल बुक कर लिया है साउथ ऑफ फ्रांस में फॉर नेक्स्ट समर, अगली गर्मियों के लिए, ठीक है। आगे क्या हो रहा है, देन वी डैश इफ देयर आर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज फॉर ऑल द किड्स। यस एब्सोल्युटली, प्री प्लान्ड होने की वजह से, क्योंकि उन्होंने पहले ही एक होटल बुक कर लिया है और उसके बाद वो क्या करने वाले हैं, वो होटल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज फाइंड आउट करने वाले हैं। तो क्या होगा, देन वी आर गोइंग टू फाइंड, वी आर गोइंग टू, वी आर गोइंग टू फाइंड इफ देयर आर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज फॉर ऑल द किड्स, ठीक है। ओके जनाब, माय फादर यूजुअली गेट्स होम बिफोर 7, सो रिंग अप अगेन एट अबाउट 7, आई एम श्योर विल बी, क्यों होगा विल बी जरा बताओ, आई एम श्योर विल बी हियर बाय दैट टाइम। क्यों होगा ये वाला रीजन दो, कौन बताएगा मुझे इसका रीजन बताओ। माई फादर यूजली गेट्स होम बिफोर 7, मेरे फादर आमतौर पर 7 बजे घर आ जाते हैं, तो रिंग अप अगेन एट अबाउट 7, आई एम श्योर ही विल बी हियर एट बाय द टाइम। नो, फ्यूचर फैक्ट है ये, एग्जाम्पल के साथ है, प्रूफ के साथ है। माई फादर यूजली गेट्स होम बिफोर 7, सो रिंग अप अगेन एट अबाउट 7, आई एम श्योर ही विल बी हियर बाय दैट टाइम, फ्यूचर फैक्ट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन दैट इज फ्यूचर फैक्ट। इस सिचुएशन के हिसाब से ये फ्यूचर फैक्ट है, इसलिए हम यहां विल बी लगाएंगे, पर्सनल ओपिनियन नहीं बोलेंगे, श्योरिटी आ रही है इसमें, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब वी हैव गॉट ओनली 5 मिनट्स, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, ठीक है। अब मैं अगले एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ दिखा रहा हूं तुम्हें, और तुमने जल्दी जल्दी मुझे आंसर्स बताने हैं, ठीक है। अगले 5 सेंटेंसेस के सिर्फ आंसर्स पर बात करेंगे, आई विल गिव नो एक्सप्लेनेशन टू दी, ठीक है, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो सिर्फ आंसर्स बता दो मुझे, चलो सही होगा या गलत होगा मैं बता दूंगा आपको, सूनर और लेटर he will realize his mistake. Correct. Number 2, number 7. Yes, you will find your passport. You are going to find your passport in the bookcase on the second shelf. On the second shelf. In the bookcase on the second shelf. Proof ke saath hai. प्रूफ के साथ है, आर गोइंग टू आएगा नेक्स्ट। गो एंड आस्क मैरी, शी विल नो द वे। ओके, व्हेन जेफरी गोज टू ब्रिटेन, यस प्लीज, टू लेफ्ट बिहाइंड, व्हेन जेफरी गोज टू ब्रिटेन, he will miss his girlfriend. ये एक personal opinion है, when Jeffrey goes to Britain, he will miss. Jeffrey अपनी बात थोड़ी कर रहा है, someone is talking about him. Look at the sky. Look at the sky. It dash very soon. It's going to rain soon, very soon, and I haven't bought my umbrella. Yes, absolutely. That's all about. Thank you so much. Have a good time with you all. Wish you all the best. Kal hum ek naye topic ke saath aapki khidmat mein hazir honge. Tab tak ke liye apna bahut khayal rakhiyega. Allah Hafiz.